चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ती जा रही है। इस बीच चीन ने भारत को हिदायत देते हुए कहा कि वो अमेरिका और चीन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में दूर रहे। और दरअसल चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के लिए यहां अच्छा होगा कि अमेरिका और चीन के मामलों से दूर रहे, क्योंकि अगर भारत अमेरिका का साझेदारी बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो कोरोना महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद ही खराब होंगे। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका चीन के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है और चीन को लगातार धमका भी रहा है, लेकिन चीन इस सबसे बेपरवाह सा दिखता है। एक ओर चीन की अमेरिका के साथ अनबन चल रही है, वहीं दूसरी ओर चीन और भारत के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की बात भी कही थी। हालांकि भारत ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि यह हमारा आपसी मामला है और इसे हम शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा लेंगे, लेकिन अमेरिका की इस मदद की पेशकश से चीन जरूर बौखला गया है। तभी तो चीन ने भारत को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वो अमेरिका चीन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर से दूर रहे। दरअसल चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के लिए यही अच्छा होगा कि वह अमेरिका चीन के मामलों से दूर ही रहे, क्योंकि अगर भारत अमेरिका का साझेदार बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो कोरोना महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद खराब होंगे। चीन ने कहा है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत सरकार को इस कोल्ड वॉर में एक पक्ष के समर्थन में खड़ा होने के लिए कह रही है, इससे इस स्थिति का वे लोग भी फायदा उठा सके। ऐसी शक्तियां भारत सरकार के आधिकारिक स्टैंड से संबंध नहीं रखती और चीन के बारे में गलत सूचनाएं और अफवाहें फैला रही हैं। अगर स्पष्ट कहा जाए तो चीन अमेरिका विवाद में भारत का फायदा बेहद कम है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। इसी के चलते मोदी सरकार इस कठिन परिस्थिति के साथ काफी समझदारी के साथ निपट रही है। चीन ने सख्त लहजे में भारत को इस कोल्ड वॉर से बाहर रहने की सलाह देते हुए कहा है कि यही दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए बेहतर होगा। चीन का कहना है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर बनाए रखना उनका लक्ष्य है, लेकिन चीन आगे भी भारत में चल रहे आर्थिक सुधार के लिए दोनों देशों के बीच के संबंध को बेहतर बनाए रखेगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मौजूदा सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर नहीं होने देगी और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगी। इस संबंध में किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं हाल ही में अमेरिका के प्रस्ताव को लेकर चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि चीन और भारत को वर्तमान में सीमा पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए अमेरिका की सहायता की जरूरत नहीं और भारत भी इस मदद के प्रस्ताव को ठुकरा चुका है। एक और तो भारत सीमा विवाद जारी है, जिस पर मध्यस्थता का ऑफर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, हालांकि दोनों ही देशों ने इसे ठुकरा दिया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और चीन के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका के मदद के प्रस्ताव से चीन तिलमिला गया और अब भारत को चेतावनी दे रहा है। इससे पहले चीन ने भारत से पोर्क के आयात पर बैन लगाने का भी फैसला लिया था। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।